हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कला नेरी में। और आज हम बात करेंगे केले के छिलके, कैसे हम प्लांट्स के ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकें, उसका प्रयोग हमको कैसे करना है। तो कुछ लोग उसका बायो एंजाइम बना करके उसको पौधों में डालते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क हो जाता है, या कच्चे ऐसे डाल देते हैं ऊपर से, तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि उसका प्रयोग कैसे हमको करना है। पाउडर बना के आप रख सकते हैं, वो भी अच्छा है। और इसके इस तरीके से बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए, ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, खाकर के उन्हें रख लीजिए। और ये अभी ताज़ा है, बिल्कुल कच्चा है, ये सूखा हुआ नहीं है। तो इसके छोटे छोटे इस तरह मैंने एक ही केला लिया है, आपको वीडियो बना के दिखाना था, इसलिए उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। और फिर मैं आगे बताती हूँ केले में क्या होता है। सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में इसमें मैग्नीशियम है, और जिंक है, कैल्शियम है, आयरन है। तो ये फूलों को बड़ा बनाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में भर देता है। बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, आपके पत्ते कम नज़र आएंगे, फूल ज़्यादा नज़र आएंगे और बड़े बड़े फ्लावर आएंगे। तो इसको मैं आपको करके अभी मिलती हूँ दोबारा। ये देखिए, मैंने एक केले के छिलके के ये छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और अब इनको डालने का एक अलग तरीका है। ये देखिए, इसमें फ्लावर आ रहे हैं, ये पिंक टिकोमा है, ये दो दिन हो गए इसको खिले हुए। तो मैंने जैसे ही डालना इसमें शुरू किया है, केले के छिलके फूल आने जल्दी जल्दी शुरू हो चुके हैं। तो ये है मेरा 12 इंची का गमला। तो 12 इंची के गमले के अकॉर्डिंग आप दीजिएगा, 12 इंची के गमले में दो केले के छिलके सफिशियंट है एक बार में आप डालते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो ऊपर से ये देख रहे हैं आप, मैंने कल इसमें डाले थे और कुछ पहले के भी हैं। लेकिन आप अगर फंगस आपके लगता है, तो मेरे तो नहीं लगता है, बट चांसेस होती हैं, तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा मिट्टी हटाएंगे। मेरे को खोदने का भी मिला नहीं, तो मैंने पत्थर से ही इसको कर देंगे थोड़ी सी, या भी साइड इसकी तने की जगह को थोड़ा छोड़कर साइड से चारों ओर से कर लीजिए। मैंने एक ही केला लिया है, वन साइड से मैं कर देंगे, और ये हम थोड़े से लेंगे और ऐसे डाल देंगे। और एक टिक्की मैंने पहले से डाली है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही डाल देंगे, और फिर इसको मिट्टी से दबा देंगे, दबा करके, और फिर पानी आप दीजिए। तो इसका पूरा हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि हवा के संपर्क में अगर केले के छिलके आएंगे तो उससे फंगस जल्दी से जल्दी लगने का डर रहता है। तो इसको हम ढक देंगे अच्छे से, और जितने भी फूलों के प्लांट्स हैं उन सभी में हम डाल सकते हैं। और मेरा आडेनियम है, उसमें भी मैं डालती हूँ। आप देखेंगे कि मैंने, देखो ये पहले के छिलके डाले हुए हैं और कलियाँ इसमें खूब आ रही है, हर डाली पर कलियाँ आ रही है, ये देखिए। और फूलों के मधुमालती है, ये देखिए, इसमें भी मैंने डाले हुए हैं। और आप इसमें अभी जो गुलदावरी मैंने कटिंग से लगाई थी, इसमें अभी मैंने एक बार भी नहीं डाला है, मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने एक बार भी इसमें नहीं डाला है। थोड़ा मिट्टी हम डालेंगे और इसमें ये मैं डाल दूँगी, ये देखिए ये डाल दिया। और अब पूरा मिट्टी से मैं इसको पैक कर दूँगी, ये पूरा अच्छे से ढक दिया। अब इसमें हम जैसे भी पानी आपको देना है, हवा बिल्कुल नहीं लगेगी, पूरा कवर कर दिया है। तो इस तरीके से केले के छिलकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। या ये बोगनवेलिया है, इसमें मैंने डाला नहीं है, इसमें डालते ही फ्लावर आने शुरू हो चुके हैं। और आडेनियम में मैं फूलों के जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ऐसे ही केले के छिलके बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ और डाल देती हूँ। आप चाहे तो सुखा करके छाया में या धूप में शेनी शेड में, और उनको पाउडर बना करके आप रख दें, और उसको एक एनपीके घर का कैसे बनाना है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, शायद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो ही मेरा हो, तो देखिएगा मेरा चैनल। तो आप ये बना सकते हैं, और पौधों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये बायो एंजिन से जल्दी काम करेगा, उसको महीनों सालों लग जाते हैं बनने में, तैयार होने में, और ये जल्दी से जल्दी बन जाएगा। तो मेरा वीडियो लाइक करिएगा, जिनको पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने पहली बार देखे हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।